आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेड हेल्थ केयर। एक बार फिर हम अपने सभी व्यूअर के लिए एक और बहुत ही यूनिक केस लेकर के हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले हमारी जो पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं। एक आज कई दिन से समस्या भय है? आज 5 दिन है। 5 दिन हुई है? हाँ, आज 5 दिन हुई। सबसे पहले का भय रहेगा? सबसे पहले पेट एकदम फूलल था, पूरा एकदम डब्बा भेला। तो डॉक्टर साहब के बोलैली फोन के, बोला है के सवेरे दुहली वाली बढ़िया पाके दे लागल रही, एक टाइम लागल ही सवेरे जो लागल ओकरा दोपहर के बाद मतलब नाय खाना खाइस। तो फोन आयल कि मैं दुकानी वाला ली चढ़ाओ, फोन आयल कि नाय खाती भैंसिया। तो कहते ठीक है, डॉक्टर साहब के सवेरे बोलाय। तो बोलैली मतलब न बैठे, मतलब बैठबो नहीं करे, खड़े रहे हमेशा। पेटवा टवा एकदम ऐसे इतना ऊंच रहा है, एकदम फूला रहा, फूला रहा पूरा फूलिया एकदम से। बाद में लेटनिया करे तो पूरा एकदम लासा टाइप है। अच्छा, नेटा जैसे हो रहा है? आज तो मैंने कुछ नहीं, तो बहुत ज्यादा ही वाला ये चीजें बहुत ज्यादा होते। अच्छा अच्छा, पहले कम बढ़ेगा ना, देखो अभी है मात्रा में है। बहुत ज्यादा ही रहा। अच्छा, जब पहले दिन दवाइया पेटवा फूला रहा है, दवा है, तो उसे कुछ फायदा भय की नहीं भय? तब से खाई नहीं डॉक्टर साहब, तो क्या बताइए फायदा नुकसान कुछ भी नहीं, खाए खाली पेट जल्द पची गए। बस इतना फायदा है कि पेट पची गए, एक और कोई फायदा नहीं भय। एक चीज दूसरे दिन, जब दूसरे दिन इलाज भय है तो भय है कि नहीं भय है? एक दिन इलाज भय, दो दिन इलाज भय। पहले दिन तो 500 लगाए, दूसरे दिन 400 लगेला है। अच्छा, दवाई भी दे रहा है। अच्छा, एक आका कीड़क दवाई कुछ दे रही नहीं? कीड़क दवाई कब दे? जब एक तबियत खराब है तब कीड़क दवाई दे। तो कीड़ों की दवाई गोली में रहा कि लिक्विड में रहा है? लिक्विड रहा। अच्छा, वो कहा दिए के बाद पोंके वोके तो नहीं रही है? नहीं, पोंके नहीं रही है। डॉक्टर साहब कहा था हो सके तो पोंका है, लेकिन मैंने पोंकिस नहीं। अच्छा ठीक है। पागुर कर रहे थे कि नहीं करते? पागुर नहीं करते बैठे, मतलब कुल मिला के जब से बीमार भे बैठे तब से न कुछ खाए बाय और न पागुर करत बैठे। अच्छा, दोबारा कौन? दोबारा नहीं डाली। जैसे चावल वावल या कोनो पूरी सूरी ये सब कुछ नहीं खाए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल खाना जो आप देत रहे नहीं, वह देत रहे नहीं। अच्छा, वही दिन बुखार नापे रहे कितना रहा है? 103 बता रहे हैं। 103 बुखार रहा है? 103 बुखार बताया रहा है। अच्छा, तो कहाँ ना गैसवा हुआ है, गैसों की वजह से बुखरवा है, दोनों कारण से बुखरवा है। गर्भित का महीना का बाट है? 6 महीना मान के चलते डॉक्टर साहब, 6 महीना का गर्भित है। इस चोट कैसे लाग बट है? तो ही गिर पड़ल है, ये पे और के दवाइया पे आता ली। हां हां, गिर पड़ल जैसे गिर चल नहीं, जो चली गई हम लाए गए तो भी लग गया है चुटिया। अच्छा, इस पर उधर लबत नाच की पणवा में गिर गिर। हां, खलवा चली गई और लग गया। पेशाब के रास्ते से कुछ गिरत ना रहा पानी सानी? कुछ कुछ नहीं गिरा, तो नॉर्मल पेशाब हुआ, ठीक है, दिखा तो पेशाब ना गड़बड़ है। हां, खाली लाइटिंग अगर बहुत खराब निकला था एकदम से, ऐसे बोझल जैसे गोली बन के निकल रहा ऐसे। हां, एकदम कुछ सफेद है सफेद, लेकिन आज मतलब वो में निकला है, वो मेरा कहीं नहीं। हां, नहीं तो एकदम ऐसे कछवे निकल रहे, मैंने लफावे निकल रहे पूरा। पशुपालक से वार्ता करने के बाद मैंने इस एनिमल का म्यूकस मेम्ब्रेन देखा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से येलो हो चुका है और ये हाईली एनीमिक कंडीशंस में होता है। और ये एनीमिक कंडीशंस अब आके जो हम एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेंगे कि एक्चुअली में इस एनिमल को जो एनीमिक हुआ है वो क्यों हुआ है। इसके बाद पशुपालक ने चूँकि बताया कि इसकी जो भैंस है वो 6 माह की गर्भित है, फिर मैंने उस एनिमल का पीडी किया और पीडी करने पे पाया कि उसमें बच्चा तो है, लेकिन बच्चा एकदम से उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ज़्यादा संभावना है कि ये बच्चा हो सकता है मर चुका हो, लेकिन कन्फर्म जो होता है सेम डे पे एक दिन में नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इस एनिमल का जब टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर 104.2 डिग्री फारेनहाइट मिला, जैसा कि आपको थर्मामीटर में दिख रहा है। एक्चुअली में इस केस में पशुपालक से वार्ता करने के बाद और जो मैंने इसको प्रॉपर एग्जामिनेशंस किया उसके बेसिस पे हमने अपनी जो एक स्टोरी बनाई वो ये बनाई कि मुझे लगता है कि इसको एक्यूट ब्लॉट किसी भी कारण से हुआ, चाहे चूँकि इस समय गर्मी का सीजन बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पशु हैं वो नया भूसा खा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है कि इसको एक्यूट ब्लॉट की कंडीशन हुई और एक्यूट ब्लॉट कंडीशन होने के बाद जो उसका बच्चा था वो मर गया। और मरने के बाद फिर धीरे धीरे किसी भी एनिमल्स में जब बच्चा मरता है तो पशु चारा पानी छोड़ देता है,
इसके बाद जब उसमें इन्फेक्शन सेटअप हो गया, उसके बाद की स्थिति आपकी ये बनी कि ये पशु सही से खा नहीं रहा है, सही से इसकी सारी फिजियोलॉजी उसकी डिस्टर्ब हुई है, और साथ में ये पशु हाईली एनीमिक कंडीशंस में भी जा चुकी है। चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है मैं इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।